हे गाइस, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे एंड कुछ नया एंड इनोवेटिव कर रहे होंगे। सो आज का दिन है, हम लोग जाने वाले हैं एक शादी में। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम गुजराती लोगों की शादी कैसी रहती है, उसमें हम लोग क्या क्या आइटम्स रखते हैं एंड उसके रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। सो इसी वीडियो में बने रहना एंड आज सुबह से वर्क कंप्लीट करते करते हुए आधा दिन से ऊपर निकल गया था। सो यही आज का अपडेट था। सो इसी वीडियो में बने रहना, हम लोग आपको बताएंगे कि वहाँ पे कैसा रहता है। सो गाइस, इसके बारे में अपडेट दिए हैं कि ये देखिए, ये जो येलो वाले हैलोजन लाइट थे, इसमें ये मैंने ये वाइट करवा दिए। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्रो में कितना फर्क पड़ता है। तो ये एक्सेंट में ऐसा कुछ दिखता है आपको एंड मैं अगर ये हेडलाइट आफ्टर येलो लाइट से जो नॉर्मल होता है उसका मैं थ्रो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। मतलब काफ़ी चेंज हुआ है पहले से। सो गाइस, ये है प्रिया फार्म एंड ये हम हमारे फ्रेंड की शादी में आए हैं और यहाँ पे आपको वैलेट पार्किंग की भी फैसिलिटी मिलेगी और सिक्योरिटी भी काफ़ी बढ़िया है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंदर कैसा माहौल है, कैसा डेकोरेशन किया गया है। कि रात के मैरिज रखने में और रिसेप्शन में जो होता है उसमें डेकोरेशन का ही अच्छा होता है। तो इस तरह का कुछ डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है, ये देखिए।
गाइस अगर दूल्हे की गाड़ी की बात करें तो कुछ ऐसी ही सजाई हुई है। ये देखिए एकदम बेसिक सिंपलिसिटी से सजाया हुआ है। सो गाइस अगर आप कहीं भी जा रहे हो अहमदाबाद में या फिर शादी वगैरह में तो आप टाइम से थोड़ा जल्दी निकलना, क्योंकि क्या है कि अभी शादी का सीजन चल रहा है। सो ये ऐसे ट्रैफिक जाम में आप फंस सकते हो। एंड अभी क्या है कि नवंबर दिसंबर शादी का महीना रहता है, सो आपको ये ट्रैफिक मिलने ही वाला है। एंड काफ़ी सारी शादी है ऐसा सुना भी है। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए एक और शादी में। एंड ये देखिए हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो चुकी है। एंड मैं आई आपको यहाँ की भी शादी दिखाता हूँ, क्या डेकोरेशन है वो दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ। तो इसी वीडियो में बने रहना। तो सो गाइस हमने आपको एक शादी और एक रिसेप्शन दोनों दिखाया था। एंड वहाँ पे कैसे अरेंजमेंट रहती है एंड वहाँ पे क्या सीन रहता है और लड़की वाले और जो लड़के वाले दोनों की साइड से दिखाने के लिए ट्राई किया था और दोनों जगह अलग अलग थी। सो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दबा के सब्सक्राइब कर देना एंड बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। सो जल्द ही मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। एंड एक कुछ नया लाने की हर दिन ट्राई करेंगे। सो तब तक के लिए बाय।